स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें। स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। आज हम सीखेंगे लहरिया पैजामा यानी सलवार कैसे बनाया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे पास साटन का कपड़ा है और ये 3 मीटर है। आपको ये कम से कम 3 मीटर रखना पड़ेगा। ये देखिए ये 75 सेंटीमीटर 4 फोल्ट है, देख सकते हैं आप। चलिए इसे खोल दिए, 1 फोल्ट 2 3 और ये 4, ये डबल किया हुआ है। चलिए इसे पहले हम बिछा लेते हैं। इसकी कटिंग कैसे होगी ये हम पहले बताएंगे और फिर इसे सिल के भी बताएंगे। ये देखिए बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि लहरिया ब्लाउज मतलब जो है सलवार बना के दिखाएं, तो ये मैंने बनाना शुरू किया है। ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ये देखिए डबल किया हुआ है। चलिए इसकी लंबाई ले लेते हैं। लंबाई हम 36 रखने वाले हैं। ये देखिए ये हम 4 इंच छोड़ देंगे। ये देखिए 32 पर हमने इंच लगा दिया और आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे हम रख देंगे। ये देखिए वो जो लहरिया डिज़ाइन है वो हम 8 इंच रखने वाले हैं, तो 4 इंच हम छोड़ देंगे। ये डबल फोल्ट है इसलिए 4 इंच। और ये देखिए मोहरी 6 इंच रखने वाले हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा, ध्यान से देखिए आप। तो हम यहाँ पे मेजरमेंट लगा दिए हैं। मोहरी हम 6 इंच रखने वाले हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 6 इंच के अंदर जो 4 इंच माइनस होगा उसे माइनस कर दिए। ये देखिए म्यानी कम से कम 15 इंच होती है, तो ये 11 है रखे हैं और 4 इंच हम प्लेट लगाने वाले हैं ऊपर। तो 4 इंच हम माइनस किए हैं, वो प्लेट है ऊपर की। ये देखिए ये हमने निशान लगा दिया। चलिए ये ज़्यादा घेर का नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर ज़्यादा घेर करेंगे तो वो लहरिया डिज़ाइन आपको दिखेगी नहीं, वो फ्लैट रहना चाहिए पूरा सीधा। ये देखिए शेप कर दिया हमने। ये 4 है, दोनों साइड का कट रहा है एक ही साथ। ये देखिए ये कटिंग हमने कर दिया। कोई भी सवाल हो आप कमेंट करें हमें कमेंट बॉक्स पे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। लाइक की हमें ज़रूरत होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से। आपके 1 लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ लाइक करें। ये देखिए ये कट चुका है पजामा। अब वो प्लेट जो है यानी कि लहरिया डिज़ाइन जो है वो हमें कपड़ा कुछ नहीं करना है। इस टाइप से हमने 8 इंच रखा था, तो इसे हम 9 इंच रखेंगे, क्योंकि सिलाई के लिए भी तो चाहिए कपड़ा, तो वो हम निकालेंगे। ये देखिए ये सीधा करने के लिए मार्क लगाया जा रहा है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि कितना कपड़ा काटना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई हिसाब नहीं होता है। अगर आप नए हैं तो प्लेट लगाते लगाते ज़्यादा भी हो जाता है कम भी हो जाता है, तो आप जो है इसे एक्स्ट्रा ही काट के चलें। ये देखिए कोई लंबाई हमने नहीं काटा है, बस सीधे सीधे निकाल दिया है। 4 लेयर है और अगर एक्स्ट्रा लगे तो हम एक्स्ट्रा भी लगा देंगे इसमें। ये देखिए 4 लेयर, ये लगभग हो गया, बहुत ज़्यादा 3 मीटर के आसपास है। चलिए एक्स्ट्रा भी काट लेते हैं, एक अगर घटे तो हमें काम आएगा।
ये देखिए ये डोरी है, अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं तो ये डोरी ऐसे काट के निकाल सकते हैं। और ये हम निकाल रहे हैं प्लेट, जो कि ऊपर का मोड़ने का निशान लगा दिए, और ये 4 इंच ठीक है, और एक्स्ट्रा ये देखिए। बहुत ही आसान होता है सलवार की कटिंग, लेकिन बहुत को हार्ड लगता है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, चलिए इसे काट देते हैं प्लेट को। प्लेट की चौड़ाई हमने 20 रखी है। ये देखिए प्लेट कट चुका है, और ये बचा हुआ कपड़ा हम एक और काटेंगे लहरिया की, ये बाद में काट लेंगे हम। चलिए पजामे को हम शुरू करते हैं। चलिए अब मशीन पे, ये देखिए हम मशीन पे आ गए। सभी को साइड कर देते हैं हम, पहले हम प्लेट लगाना आपको सिखाते हैं। चलिए ये 2 है, ये हमने 1 लिया। चलिए प्लेट लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरीके से। आप पहले टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, जितना प्लेट लगता है आप लगाते जाइए ठीक है। इस तरीके से देखिए एकदम इक्वल। ये देखिए लगते हुए जा रही है। प्लेट के ऊपर प्लेट, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। ये देखिए इसको सिलने के बाद हम इसको नाप कर देखेंगे कि ये घट रहा है बढ़ रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद हम कपड़े को जोड़ देंगे और फिर बनाना चालू करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये प्लेट है तो इसमें आप इक्वल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना दूर जाएगा ये। ये देखिए चलिए इसे हम लंबाई के अनुसार नाप लेते हैं एक बार। ये देखिए ये हमने नापना शुरू किया, और ये थोड़ा सा 4-5 इंच घट चुका है। ये देखिए चलिए अब इसमें जोड़ देते हैं। ये जो बचा हुआ कपड़ा था इसे हम काट लेंगे। ये देखिए अब इस पे हम उसे जोड़ देंगे। ये देखिए ये प्लेट लगा हुआ कपड़ा है। फिर हम प्लेट लगाना चालू करेंगे। ये देखिए प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। ये देखिए 32 इंच पे हम इसे काट देंगे, क्योंकि हमारा पजामा 32 इंच का है। ये देखिए वन साइड प्लेट लग चुका है, उस साइड को हम पहले से जोड़ देंगे ताकि हमें पता चल चुका है कि कपड़ा लगने वाला है।
ये देखिए, ये प्लेट लगाना चालू करते हैं। ये दूसरा वाला है, ये देखिए प्लेट लगना चालू। इक्वल रखें एकदम प्लेट ध्यान से। ये देखिए एक प्लेट कम से कम पूरी देख लीजिए, दूसरी वाली में खुद ब खुद फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी। ये देखिए जॉइंट गुजर चुका है, उससे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए जितना हमें अंदाज है उतना हम प्लेट लगा चुके हैं और अब हम इसे फिर मेजरमेंट करके देखेंगे कहाँ तक पहुँचाइए। ये देखिए ये 32 तक पहुँच चुका है, तो हम इसे यहाँ से काट देंगे। ये देखिए चलिए दूसरी साइड प्लेट लगाते हैं। ये देखिए दूसरी साइड के प्लेट लगने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए बहुत ही आसान। अगर आप पजामा सिलना जानते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा, अगर कोई नया है तो उसे थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए पूरा प्लेट लग चुका है, देखिए बहुत ही खूबसूरत। अब इसमें ये करना, देखिए बराबर नाप के देख ले दोनों साइड, कम ज़्यादा तो नहीं हो गया। ये देखिए हमारा बराबर है, हमें कोई टेंशन नहीं है, कम ज़्यादा होता तो टेंशन हो सकता था। ये देखिए हल्का सा छोटा बड़ा होगा तो हम उसे खोल कर एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए एडजस्ट हो गया। चलिए अब हम जो है आपको बीच में निशान लगाना सिखाते हैं। ये देखिए टोटल 10 इंच है मान लीजिए, तो 5 इंच पे हम यूं निशान लगा देंगे सभी जगह ताकि हम बीचों बीच सिलाई को रख सकें। ये देखिए 5 इंच पे निशान दें,
इस तरीके से पूरा पिनिशन लगा दें। अगर आप यहीं से करने जाएंगे तो हो सकता है बीच में ना हो, तो आप बीच का निशान अगर लगा लेते हैं कि आपको जरा भी तकलीफ़ नहीं होगी कि ये सिलाई किधर जा रही है। ये देखिए ये उल्टी साइड हम इसे सिलेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान। प्लेट्स को उल्टा करें। ये देखिए अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा ये कितनी खूबसूरत दिखता है। देखिए बनता हुआ जा रहा है ये सिल्क कपड़े में। देखिए वो चौक के निशान के वजह से हम बीचों बीच इसे सिल पा रहे हैं, तो ये आपके लिए भी आसान होगा। स्ट्रिक का इस्तेमाल करें। ये देखिए और इस पे जो मोती लगा हुआ है आप जिस तरीके से फोटो में देखे हैं तो वो आप लगा सकते हैं उनके नोक पर। आप या तो गोंद से चिपका लें या सुई धागे से टाँट लें, बात वही पड़ेगा। सुई धागा वाला मजबूत होता है तो आप सुई धागे का इस्तेमाल करें, अगर मेरी माने तो। ये देखिए पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। ये वीडियो मैं फॉरवर्ड भी कर सकता था लेकिन मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि फॉरवर्ड मत कीजिए, समझ में नहीं आता है, तो मैंने इसे स्लो ही रहने दिया ताकि टाइम लगे या ना लगे वो तो आपकी मर्जी। आप फॉरवर्ड करके पॉज करके देख सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। चलिए अब दूसरा वाला स्पीड से कर लेते हैं फॉरवर्ड करके। ये देखिए बहुत इजी है। ये दूसरा तरफ का बन रहा है जो हमने अधूरा छोड़ा था। ये देखिए ये हमने फॉरवर्ड किया हुआ है। ये देखिए इस पे भी उसी तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखिए फटाफट से हम इसे कर लेते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी। ये देखिए ये तैयार हो चुका है। ये अब सलवार का जो कटिंग था वो हम दोनों साइड जोड़ देंगे बहुत ही आसान तरीके से, जिस तरीके से कली वाले सलवार में जुड़ता है वही करना है हमें यहाँ पे, और कुछ नहीं। ये देखिए आराम से लगाएं ताकि सिलाई चढ़े नहीं उस पर प्लेट पे। ये देखिए वन साइड का जुड़ चुका है। ये देखिए
खूबसूरत लग रही है बनने के बाद। अब हम दूसरी साइड जोड़ेंगे। ये देखिए दूसरी साइड। ये दूसरी साइड जुड़ने वाला है। ये एक साइड का दोनों साइड जुड़ चुका है। ये देखिए अब दूसरी साइड उसी तरीके से जोड़ दें। ये देखिए शाइनिंग वाला साइड कितना अच्छा लग रहा है। बस ये जोड़ने के बाद ये सिंपल सलवार की तरह हो जाएगा। उसके बाद जो आप सलवार को सिलते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से आपको ये भी सिलना है। अगर आप सलवार जानते हैं सिलने तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल में अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग तो अपील करते रहते हैं। ये देखिए हमने इंटरलॉक कर दिया है ताकि ये सिलाई खुले नहीं। इंटरलॉक की मशीन तो होगी आपके घर में। ये देखिए इंटरलॉक किया हुआ है जॉइंट पे। चलिए अब दोनों को बीच से हम जोड़ देते हैं। जो सलवार जिस तरीके से सिया जाता है अब यहाँ से सलवार की तरह ही है लगभग। ये देखिए ये पट्टा है। देखिए पट्टा किस तरीके से लगाएंगे। इसको हम चार भाग में फोल्ड करके निशान लगा देंगे। ये देखिए ये जो है हम आगे की साइड रखेंगे, यानी आगे साइड भाग है। ये देखिए अब इससे हम इस तरीके से प्लेट लगाएंगे कि वो जो लहरिया है वो निशान के बीचों बीच आ जाए, ठीक है, तभी वो हमारे साइड पे आएगा पूरा। ये देखिए बीच का निशान जो है जॉइंट पे आ चुका है। जो निशान हमने लगाया था वो बीचों बीच आ चुका है। ये देखिए निशान के बीचों बीच, ये देखिए निशान यहाँ पे, और ये आ चुका है इस तरीके से। अब फिर यहाँ से प्लेट लगाएंगे तो मियानी का जॉइंट जो है वो बीचों बीच आ जाएगा। ये देखिए वो निशान रहा और तीन चार प्लेटों में वो जॉइंट आ जाएगा। ये देखिए ये रहा। ये देखिए फिर इस तरीके से प्लेट हम लगाएंगे कि वो डिवाइड होके वहां तक आ जाएगा। ये प्लेट अपोजिट लगाएं। ये देखिए ये आ चुका है बीचों बीच निशान के। और यहां से फिर ये
चलिए अब इसे भी इंटरलॉक कर देते हैं। हमने इंटरलॉक कर दिया है। और ये नीचे मोहरी की साइड, यानी जो पैर में जो बन रहा है वो हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए देखिए एक कपड़ा है नीचे, बकरम है, उसे हम सिल रहे हैं। ये देखिए ये पलटी हो गया, देखिए ये नीचे की मोहरी बन रही है। चलिए इस पर दो तीन सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए बस अब हम कुछ नहीं करना है, नीचे हमें जॉइंट कर देना है। पहले हम बीचों बीच मियानी को सी देंगे, दोनों मियानी। इस पजामे में हमने ऊपर से नाड़ा वाला बना है, सॉरी रबड़ वाला बना है। अगर आप चाहे तो नाड़ा वाला ही बना सकते हैं, चाहे तो रबड़ वाला, तो हमने रबड़ वाला बनाया है इसे। ये देखिए मोहरी हम 6 के आसपास रखने वाले हैं, 6 यानी 6 × 2 = 12। ये देखिए चलिए अब यहाँ से देखिए कितना परफेक्ट आया ये मेजरमेंट। ये देखिए ये आपका नीचे का साइड तैयार हो गया। ऊपर का हमने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप नाड़ा वाला बनाते हैं तो एक छेद छोड़ के आप बना दीजिए, या फिर रबड़ वाला, हमने रबड़ वाला बनाया है। ये देखिए ये पजामा तैयार हो चुका है लगभग। चलिए एक सिलाई और लगा देते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और प्लीज़ 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 चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बराबर में जो बेल आइकन बनेगा उसे आप ज़रूर दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए ये दोस्तों, और भी ढेर सारे वीडियो अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो और भी हमारे लहंगे के डिज़ाइन और पजामे को इजी तरीके से सिलना ये आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, ओके, और इसी तरह से देखते रहें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।